रोहतास और कैमूर में चालू होगा रोपवे, पर्यटन विभाग ने बताई पूरी योजना। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। बिहार में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सरकार लगातार ही काम कर रही है, इसका असर देखने को मिल भी रहा है। हाल के दिनों में राजगीर में पर्यटकों की रुचि को बढ़ाने वाले कई काम किए गए हैं। इसके साथ ही सरकार वैशाली, कैमूर जिले के मुंडेश्वरी, रोहतासगढ़, गया आदि स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के सचिव संतोष मल्ल ने बताया कि वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय 300 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। वहीं मुंडेश्वरी, रोहतासगढ़, गया और प्रेतशिला, वानावर आदि स्थानों पर रोपवे का कार्य जारी है। बोधगया में भव्य अतिथिशाला का निर्माण किया जा रहा है, यह जानकारी उन्होंने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शनिवार को कही। सचिव ने बताया कि वाल्मीकि नगर में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा और राजगीर और मंदार पर्वत पर रोपवे चालू हो गया है। जैसा कि आपने देखा कि मंदार पर्वत पर ही फिलहाल में ही रोपवे चालू किया गया है, वहीं राजगीर में जंगल सफारी का उद्घाटन भी हो गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, सिख सर्किट समेत अन्य सर्किट का पर्यटन से जोड़ा जा रहा है। बिहार के पर्यटन स्थलों को एक बार जरूर देखें। और इधर भोजपुरी का परिचय और सभ्यता विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मल्ल ने कहा कि भोजपुरी भाषा और इसकी संस्कृति का इतिहास काफ़ी पुराना है। भोजपुरी भाषा प्राचीन होने के साथ साथ समृद्ध भाषा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मैथिली, अंगिका, बज्जिका, मगही समेत अन्य मातृभाषा में कार्यक्रम का आयोजन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से होगा। इंडिया इंटरनेशनल दिल्ली के निदेशक केएन श्रीवास्तव ने भोजपुरी फिल्मों के बारे में कहा कि आज की फिल्में अपने संस्कार से भटक गई हैं, फिल्मों में अश्लीलता चरम पर है। ऐसे में फिल्म कलाकारों से आग्रह है कि वे अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने लौंडा नाच के बारे में कहा कि आज इन कलाकारों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। बिहार पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पटना जरूर आएंगे और भारत सरकार के हाउसिंग बोर्ड के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि बिहार संग्रहालय अपनी विरासत को संभाल रहा है। आईएएस अधिकारी गंगा कुमार ने कहा कि आने वाले समय में इस प्रकार के कई आयोजन होंगे, इसमें विभिन्न भाषा संस्कृति पर बात होगी। वही कार्यक्रम में स्वागत भाषण पंकज श्रेष्ठकर ने दिया और तमाम जो अधिकारी वहां मौजूद थे उन्होंने बिहार के पर्यटन और संस्कृति को बचाने के लिए एक मूल मंत्र भी दिया। तो ये बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि रोहतास और कैमूर, गया जैसे जगहों के पर पर्यटन की संभावनाएं जो अब तक तलाशी जा रही थी, अब उस पर आगे की कार्रवाई शुरू हो रही है और बहुत जल्द ही रोहतासगढ़ किला के साथ साथ और भी जगहों पर मुंडेश्वरी में रोपवे का शुभारंभ किया जाएगा। तो ये वाकई में रोहतास और कैमूर जिले वासियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर के हम आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज 9 के साथ। नमस्कार।